सब्सक्राइब करें उधम बैस लांग जी चैनल को, दबाए नोटिफिकेशन बेल को ट्रैक्टरों के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट पलवल सिद्धि विनायक ट्रैक्टर शोरूम पर, जो शोरूम है डॉज फायर सामे डॉज फायर के नाम से जाने जाता है और काफी अच्छी लुकिंग है ट्रैक्टर की दोस्तों। और मैं सभी लोगों को बता दूं कि ये ट्रैक्टर 50 एचपी का है और हमारे जो कंपनी से यहां पे सर खड़े हुए हैं, मैं सभी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो पे स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर अन्य कंपनी के मुकाबले फ्यूचर जो मतलब ये दिए सुविधा सबसे हटके मिलेगी। और आप लोगों को पूरा जानकारी हम पूरी इस वीडियो में सर से कराएंगे, इसका रिव्यू कराएंगे, जो भी आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे आपको सब जानकारी मिल पाएगी। और जो यहाँ फिलहाल जो दो पीस खड़े हैं, एक 50 पावर का ट्रैक्टर है, ये देख सकते हो 16 और 28 टायर के साथ ये ट्रैक्टर है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये जो 16 और 28 ट्रैक्टर है और अगले जो फ्रंट टायर है वो 7/50/16 के मिलेंगे आपको, ये देखिए। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, इधर जो आप देख रहे हैं डॉज फायर ट्रैक्टर, ये 45 कैटेगरी का ट्रैक्टर जाना जाता है, 45 पावर बोलते हैं और कहीं 45 एचपी भी बोलते हैं। तो काफी शानदार लुकिंग है ट्रैक्टर की और बड़े ट्रैक्टर हैं, काफी अच्छे ट्रैक्टर हैं, ये देखिए आप। तो भाइयों मैं आप लोगों को बता दूं, जो इसके फ्रंट टायर मिलेंगे आपको ये 6/16 के मिलेंगे, मैं आप लोगों को दिखा दूं, और जो इसके बैक टायर है, पीछे के टायर है जो, वे 14 और 28 टायर के साथ मिलेगा। और सभी भाई को मैं जो हमारे सर हैं यहाँ पे कंपनी से हैं, सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, बारीकी से कराऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अंत तक जरूर देखना, ताकि इस ट्रैक्टर की सारी खूबियों आप लोगों को मिल सके और आप लोगों को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा जो सर है यहाँ पे कंपनी से, वो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनको पूरी जानकारी दे मतलब मिल जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरेश शर्मा जी, डॉज फायर ट्रैक्टर कंपनी से जी, भोपाल से बिलोंग करता हूँ जी सर। ये हमारा डॉज फायर ट्रैक्टर जी, और इसमें आप देख सकते हैं कि अदर्स कंपनियों की अपेक्षा क्या क्या फीचर्स हैं जी, उसके बारे में आपको बताऊंगा जी। जी तो फर्स्ट में अपन बोनट को खोलते हैं। अच्छा, मतलब इसमें कोई चाबी लगाने की जरूरत नहीं है? इसमें चाबी लगाने की जरूरत नहीं है। और आपने देखते होंगे कि किसी अदर्स कंपनी के बोनट खोलते हैं तो वो सिर्फ इतने जाते हैं, हाँ, वो उसे हाथ से पिकअप करते हैं ऊपर के लिए, हाथ से पिकअप करना पड़ता है, लेकिन अपने को ये ऑटोमेटिक जाता है जी। और इतना आप किसी ट्रैक्टर में होता भी नहीं जी। जी अब अपन आगे से देखते हैं तो ये हमारी इमरान कंपनी की बैटरी है और अदर्स कंपनियों में इमरान कंपनी की बैटरी नहीं आती जी, है ना। ये रेडिएटर है आपका एल्युमिनियम में जी, अदर्स कंपनियों में या तो कॉपर का आता है या लोहे की बाटी का आता है जी, लेकिन हमारी कंपनी किसी भी मॉडल में एल्युमिनियम का रेडिएटर लगाती है जी। जी अब अपन ऐसा आइए थोड़ा सा, ये इंजन कूलिंग के लिए फैन जी, अदर्स कंपनियों में फाइबर का आता है लेकिन हमारी कंपनी में एल्युमिनियम देती है। अच्छा, एल्युमिनियम के साथ है, एल्युमिनियम के साथ में। इससे क्या फायदे हैं कि इससे आपको ट्रैक्टर के इंजन को ज्यादा हवा मिलती है जी, जी। इससे इंजन गर्मी ना दिखाए जी, है ना। ये आपका अल्टरनेटर है जी, है ना। ये आपका फीड पंप लगा हुआ है, अगर बाय दफे किसी ट्रैक्टर में एयर वगैरह आ जाती है जी तो आपको सिर्फ इसको पुश करना है जी, इसे पुश करें और इसकी जो एयर है हवा निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी जी। जी आपको कहीं से नट बोल्ट खोलने की जरूरत ना जी। जी ठीक है सर जी। और इसमें एक गर्मी ना पकड़े ट्रैक्टर, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको उस साइड ले लूंगा, ये वाटर स्प्रेयर गैलरी दे रखी है। अच्छा, वाटर गैलरी है, हाँ, वाटर गैलरी है जी। इससे क्या फायदा है कि अगर जैसे ट्रैक्टर में पानी चलता है ब्लॉक के अंदर, तो तीनों सिलेंडर को एक साथ पानी मिलता है जी। जी जी इससे तीनों सिलेंडर को जब एक टेम्परेचर का पानी मिलेगा जी, जी तो ट्रैक्टर गर्मी ना दिखाएगा जी। अदर्स ट्रैक्टरों में क्या होता है जी, कि पहले सिलेंडर में पानी घूमता है, इसके बाद दूसरे में जाता है, फिर तीसरे में जाता है जी। जब तीनों को अलग अलग पानी मिलता है टेम्परेचर का, तो ट्रैक्टर गर्मी दिखाने लगता जी, है जी। तीसरे वालों को सबसे ज्यादा जी। तो दोस्तों हमारे जो सर है उन्होंने बताया कि जो इसका ब्लॉक है
इस ब्लॉक में जो गैलरी आप देख रहे हैं, इस गैलरी में तीनों जो पिस्टन है, इस तीनों पिस्टनों को बराबर कूलिंग दी जाती है और ट्रैक्टर बिल्कुल टेम्परेचर नहीं दिखाता, एक साथ पानी मिलता है, अच्छे से मिलता है बहुत। अदर कंपनी की बात करी जाए तो उसमें ये सुविधा नहीं है। इसका तीसरा इसमें ऑप्शन है जो नीचे पिस्टन को लुब्रिकेशन के लिए ऑयल दिया जाता है जी, वो अदर ट्रैक्टरों में क्रेंक जो घूमती है जी उसके उछाल से लुब्रिकेशन मिलता है जी, लेकिन अपने ट्रैक्टर में वो कूलिंग जेट लगे हुए हैं। अच्छा जी, कूलिंग जेट लगे हुए तो अगर ट्रैक्टर में घाट पे चढ़ता है या उतरता है जी, तो एक बराबर स्प्रे तीनों को मिलता है जी जी, जिससे ट्रैक्टर गर्मी का दिखाता है जी जी। इन तीनों चीजों की वजह से हमारे ट्रैक्टर को किसी भी गर्मी में अगर आप चलाएंगे जी तो ट्रैक्टर गर्मी ना दिखाए जी। तो सर हमें ये बताइए, जैसे हम ये 50 पावर का ट्रैक्टर है आपका जी जी, तो इसके बराबर हम दूसरी विदाउट कंपनी का हम ट्रैक्टर बराबर यूज करें तो ये मतलब उससे रिजल्ट क्या दिखाएगा, क्या अंतर मिलेगा इसमें? सर इसमें एक तो आपको माइलेज का अंतर आएगा जी, है ना। दूसरा ये 50 एचपी का ट्रैक्टर है, अगर इसको आदर्श कंपनी के 55 एचपी के ट्रैक्टर के साथ भी चलाएंगे जी तो ये चलेगा जी। और सर अब ये डबल क्लच के साथ ये ट्रैक्टर है जी, बिल्कुल जी। डबल क्लच वाले एक होता है ड्यूल क्लच जी, और एक होता है डबल क्लच जी जी। ड्यूल क्लच होता है एक ही पेडल के अंदर दोनों क्लच जी, डबल क्लच दोनों क्लच लीवर अलग अलग होना जी जी। हमारा ये क्लच जो दे रखा है जी, ये सिर्फ गियर एंगेज करने के लिए होता है जी, और आपको पीटीओ गियर एंगेज करना है तो उसके लिए साइड में यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, पीटीओ क्लच स्पेस लिए अलग दे रखा है, ये पीटीओ क्लच है। अच्छा, ये पीटीओ क्लच है, इसको ऐसे लगाना पड़ता है जी, ये गियर एंगेज करना पड़ता है जी, और ये इसका आपको वापस छोड़ोगे आपकी पीटीओ सब चल। अच्छा, फिर चालू हो जाए। क्लच से इस पीटीओ का कोई संबंध नहीं जी जी। तो दोस्तों देख सकते हो सर ने हमारे जो काफ़ी इसके जो फैसिलिटी है, जो सुविधा है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी ने दी है, सारी अच्छी बताई है। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर ये बताएंगे तो सर इसमें जो हम अधिकतर टॉर्क की बात करें तो कितना टॉर्क मिलेगा इस 50 पावर के ट्रैक्टर में? दोस्तों हम जो हमारे सर जी हैं उनसे हम पता करेंगे, जो 50 पावर का हम ट्रैक्टर देख रहे हैं इसकी जो कैटेगरी है 50 पावर, तो इसकी सीसी कितनी होगी? सर हमारे 45 एचपी में भी आपको 3000 सीसी का इंजन मिलेगा और 50 एचपी में भी। अच्छा जी, हाँ। अदर्स कंपनियों में अगर आप जाओगे तो आपको 2700 सीसी या 2600 सीसी का इंजन 50 एचपी में मिलता है जी, जी। लेकिन हमारी कंपनी 3000 सीसी का इंजन जी देती है। तो दोस्तों हमारे सर बता रहे हैं जो विदाउट कंपनी का ट्रैक्टर है, जैसे कि हम बात करें पावर ट्रैक या स्वराज या सोनालिका, उनसे जो 50 पावर का ट्रैक्टर आप देख रहे हैं उनमें सर बता रहे हैं 2700 या 2600 सीसी मिलेगी। इसमें पूरी टोटली दोनों ही ट्रैक्टर में 45 पावर का और ये 50 पावर का ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, इन दोनों ट्रैक्टर में आप लोगों को 3000 सीसी मिलेगी और काफ़ी अच्छी सुविधा है। आप जो एयर क्लीनर देख रहे हैं तो भाई ये सूखा एयर है, किसी को भाई ऑयल वगैरह की मतलब जो खर्चा है वो खर्चा मुक्त है, ट्रैक्टर मेंटेनेंस मुक्त है। इसमें आपको हवा लगानी पड़ेगी कहीं पिंचर वाले से, यहाँ पे सप्ताह में या 10 दिन में इसमें हवा लगानी जरूर पड़ती है। और सर हम इसकी पीटीओ की बात करें तो 540 के या 720 या जैसे भी पीटीओ 600 के अदर्स ट्रैक्टरों से ज्यादा आता है जी। जैसे कि अदर्स कंपनी में अपन जैसे जॉन डियर में अगर देखते हैं तो 50 एचपी का जो ट्रैक्टर आता है उसमें 45 एचपी पीटीओ 800 आता है जी। लेकिन हमारे 50 एचपी में 45 700 का पीटीओ एचपी निकालते हैं। अच्छा जी। दूसरे इसमें आरपीएम की अगर आप बात कर रहा हो तो इसमें 540 और 750 दो आरपीएम हम देते हैं जी। और मैं आपको बैक साइड से आप इन लोगों की लुकिंग दिखाऊं, इस ट्रैक्टर की लुकिंग दिखाऊं, सभी भाई वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं इसमें डबल जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये कंप्यूटर मांझे में जैसे लेजर लेवलर बोलते हैं। और दूसरी बात जो आजकल लोग डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हैरो यूज करते हैं, प्रेशर वाली हैरो, वो भी इसी में यूज कर सकते हो आप, और ट्रॉली डैम्प वगैरह सारा कुछ सिस्टम इसमें लगा सकते हो आप। तो दोस्तों जो आप ये डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं इसमें जो रिवर्सल जो प्लाव हुआ था उसमें भी आप ये ट्रैक्टर यूज कर सकते हो। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को डैशबोर्ड की जो लुकिंग है काफ़ी शानदार लुकिंग है उसकी भी आप थोड़ा सा वीडियो दिखा दूं। ये देखिए दोस्तों जो आप ये सबसे पहला मीटर देख रहे हैं ये इसका डीजल मीटर है, और आप बीच वाला जो मीटर देख रहे हैं ये इसका एक्सीलेटर मीटर है, आरपीएम बोलते जैसे, और इधर आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर मीटर है दोस्तों, और हमने चाबी को ऑन कर दिया है। काफ़ी अच्छी लुकिंग है ट्रैक्टर की, जैसे गाड़ी में आजकल लुकिंग होती है वही लुक इस ट्रैक्टर के साथ आप लोगों को मिलेगी। काफ़ी शानदार लुक बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। और मैं सभी भाइयों को इसका जो ट्रांसमिशन है गियर बॉक्स उसकी भी आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो दिखा दूँ। इसके जो अपनी सीट साइड है इसका रिवर्स गियर है, और आमने सामने पहला दूसरा तीसरा और चौथा, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ है ट्रैक्टर।
और दोस्तों जो आप ये लीवर देख रहे हैं ये इसका एक्सीलेटर है, जैसे आप जॉन डियर में देखा होगा आपने, इधर की तरफ इसका एक्सीलेटर बढ़ेगा और इधर की साइड इसका कम होगा। तो दोस्तों आप सभी भाइयों को उम्मीद करता हूँ हमारे सर से दिए हुई जो जानकारी है सबको अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इस ट्रैक्टर की किसी दिन मौका मिलेगा आप लोगों को जो खेती में इसका ट्रैक्टर का रिव्यू की वीडियो जरूर बना करके दिखाऊंगा, इसका डेमो भी दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी